डिंडोरी के नर्मदा तट पर कथावाचक ऋचा गोस्वामी ने रुद्राभिषेक कर हट जल साधना योग किया। ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के साथ नर्मदा तटों के किनारे नर्मदा पथ बनाए जाने की मांग की। डिंडोरी में कथावाचक ऋचा गोस्वामी नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान ऋचा ने डिंडोरी नर्मदा तट के किनारे रुद्राभिषेक किया और इसके बाद नर्मदा जी के हट जल साधना योग किए। रुद्राभिषेक के दौरान ऋचा ने नर्मदा में कपड़े धोने और साबुन से नहाने वालों से नर्मदा में साबुन ना लगाने की अपील भी की। ऋचा ने नर्मदा नदी में मिलने वाले नालों को रोकने और नर्मदा तटों के किनारे नर्मदा पथ बनाए जाने की भी मांग की। देखिए, मैं इस समय नर्मदा परिक्रमा में हूँ और नर्मदा परिक्रमा वासी का एक ही उद्देश्य होता है कि माँ नर्मदा किसी भी प्रकार से प्रसन्न हो उस पर। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि भगवती हम पर प्रसन्न हो। परंतु जहाँ जहाँ मैं अव्यवस्थाएं देखती हूँ तो माँ नर्मदा के भक्त होने के कारण दुख होता है, और उस लिए फिर मैं कुछ संदेश भी लोगों को अपनी यात्रा के माध्यम से देने का मन बनाती हूँ, जिसमें पहला यह है कि लोग नर्मदा जी को प्रदूषण मुक्त रखें, और उसके लिए हर व्यक्ति को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहते तो हैं कि ये माँ है, परंतु उसी में जाके साबुन का प्रयोग करके नहाना, घिस घिस के मैल धुलना, कपड़े निचोड़ना, ये सब दोष है। तो इस तरीके का जो दोष है उसके प्रति लोगों की जागरूकता नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।